सुबह के 6 बजे हुए हैं, 6 बजे हुए और हम पहुंचे गौरीकुंड। और गौरीकुंड से हमारी यात्रा शुरू करेंगे और यहाँ तक केवल टैक्सी से आ सकते हैं अपन। उसके बाद अपन को यहाँ से पैदल यात्रा करनी होती है। भीड़ कुछ ज्यादा नहीं है, रजिस्ट्रेशन चेक करना होता है, यहाँ पर अपना जो ई पास बनाया है वो चेक करवाना है, एंट्री करानी है। उसके बाद यहाँ से हम यात्रा शुरू करेंगे। भाई ये गौरीकुंड का गर्म कुंड है, गौरीकुंड में एक गर्म पानी का कुंड है ये। यहाँ पर पहले अच्छा सा मंदिर बना हुआ करता था, बाकी 2013 के आपदा आई थी उस दौरान सारा यहाँ से क्षतिग्रस्त हो चुका था। और इस कुंड में हम लोग नहाने वाले हैं, तो इंदु भी तैयार हो गया ये नहाने के लिए। और पीछे बर्फीली हवा चल रही है, पीछे बर्फीली हवा चल रही है और हम तैयार। और क्या, अब नहाएंगे गरम गरम पानी से, जल्दी ना का। नहा धोकर बिल्कुल तैयार, अब निकलेंगे हम केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए, यात्रा प्रारंभ करेंगे। यात्रा शुरू हो चुकी है हमारी, ओ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं अभी से ही। सांस फूल गई भाई जी, आगे चलो क्या क्या फूलता है। कुछ जगह सीढ़ियाँ हैं, कुछ जगह चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। ये घोड़ा स्टैंड है, घोड़ा स्टैंड से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। चलो इस बार ज़्यादा गंदगी नहीं है, पिछली बार आया था तो बहुत गंदगी थी यहाँ पर। और ये लोग सब जा रहे हैं और ये ग्लेशियर पिघल रहा है जिसकी अच्छा लगता है जब अब पहाड़ के नज़ारे देखने को मिलते हैं, इतने सुहाने लगते हैं पहाड़। जय भोले जी, जय भोले जी। तुम्हारे पास एक बंदा ना, तुम लोग इतने साथ में चलो, मस्त मजा आ रहा है। चले फिर, चलो यार क्या है। तो भाई क्या बोले, क्या बोलेगी। आओ भाई, धीरे धीरे चल रहे हैं, 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं और काफी धीरे चल रहे हैं। हिंदू किसके पास हो भाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए आप, कैसा लग रहा है। मस्त मजा आ गया, थकान हुई थोड़ी थोड़ी हो रही है। पसीना पसीना आने लगी है, पसीना आने लगी है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहो आराम से चलो। हेलो भैया, हेलो मजा आ गए।
छोड़ देना यार, मजा है। चलते चलते काफी देर हो गई है, हमने रेस्ट नहीं किया, कंटिन्यू चल रहे हैं। कुछ जगह शूट कर रहा हूँ, कुछ जगह नहीं कर रहा हूँ। कारण उसका ये है कि बैटरी कम है और ऊपर जाके थोड़ा सा चार्ज करके फिर वीडियो शूट करूंगा। रात को चार्ज करना भूल गया था ना, तो धीरे धीरे चलते हैं। हिंदू पीछे रह गया, धनवंतरी पीछे, मैं आ गया हूँ। स्पीड चल रहा है सर, हमारा स्टॉपेज 4 किलोमीटर का हो रहा है, पर थोड़ी थकान हो गई है। नींद भी बुझी हुई थी हमारी, इसके अलावा चढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है ना, इसके अलावा थकान हो गई है। पर वो आगे जाके 1.5 किलोमीटर जाके रेस्ट करेंगे, उसके बाद ट्रेन रास्ता जाएगा। तो अच्छा रास्ता है, बना हुआ है। पीछे का नज़ारा देख रहा हूँ, अल्टीमेट है। और शाम था से जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, बस 4 किलोमीटर रह गए। सुनील बाबू जोड़े के साथ आते हुए एनर्जी मिलती हुई, प्रकृति दर्शन के साथ सौंदर्य दर्शन करने का आनंद लेते हुए सुनील बाबू सुकेत वाले जोश भरता हुआ उनकी रगों में, प्रकृति दर्शन सौंदर्य दर्शन एक साथ मिला उन्हें। केदारनाथ 3.5 किलोमीटर है, पर अभी हमारा चल रहा है ब्रेक टाइम। लगाओ गुटकी, मोटा पिलो लगाओ रो, पर मजे करो क्योंकि अब ठंडी हवा चलने लग गई है। अंदर पसीना पसीना हो गया हमारा, गीले हो गए हम पसीने से, है कि नहीं। तो तैयारी करते हैं और चलने की, उसके बाद वो पीछे दिख रहा है आपको बर्फीले पहाड़, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा की। हाय हाय, मौसम थोड़ा ख़राब हो चुका है, बदल होने की वजह से थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है। केदारनाथ केवल 2 किलोमीटर शेष रहा, पीछे का नज़ारा देख रहे ना, बहुत लाजवाब। और ये देखिए पास रिकॉर्ड पास जा रहा है ना।
और केदार बाबा के दर्शन करने के मंदिर बो रहा। वो सामने का मौसम देखो, शायद हो सकता है बारिश हो जाए। बहुत केदार बाबा का मंदिर है, 500 मीटर की दूरी पर वो सामने रहा। अभी तो पहुंचे ही अरे सर, मस्त नजारा, मस्त जगह। बहुत हालत खराब हो गई, अब यहाँ पे जाके कमरा लेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद आरती के दर्शन करेंगे। दर्शन हुए तो ठीक, नहीं तो सवेरे दर्शन करके फिर निकल लेंगे। मजा आ गया।